subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdus Sattar Khan 2.6 World Heritage. ये 10th स्टैंडर्ड के 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज का आज हम पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और इसके चिट चैट और वार्मिंग अप की एक्टिविटीज़ करेंगे। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन चिट चैट। अब देखते हैं, आई कैन टॉक अबाउट द वर्ल्ड। हम दुनिया के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। आप कैसे बात कर सकते हैं? दुनिया के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से हैं, कौन से हैं? जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, मद्रास है, न्यूयॉर्क है, चेन्नई है, या फिर दुबई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है। साइट सीइंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। अब टूरिस्ट इंटरेस्ट की सिटीज़ कहाँ हैं? जैसे कि दुनिया में अगर देखेंगे तो काहिरा वगैरह है, लेकिन अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में हैदराबाद है, आगरा है जहाँ ताजमहल है, या फिर अगर दिल्ली के बारे में बात करेंगे तो वहाँ लाल किला है। अब फूड स्पेशलिटी किसकी अच्छी है? अगर आप गौर करेंगे तो लखनऊ और हैदराबाद का नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। वाइल्ड लाइफ कहाँ पर अच्छी है? वाइल्ड लाइफ अगर आप यूपी में देखेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, या कान्हा नेशनल पार्क है, या फिर दूसरे जो वाइल्ड लाइफ देखने के लिए दूसरे इलाके भी है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन एंड वेजिटेशन। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो अलग रीजन है, अगर साउथ में, भारत के साउथ में जाएंगे, जुनूब में जाएंगे तो अलग रीजन है। ह्यूमन लाइफ नॉर्थ और साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में, भारत के अलग ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा तजाद पाया जाता है। लोग अलग तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये टूरिस्ट लीफलेट बनाना है, आप कोई भी एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में टूरिस्ट लीफलेट बना सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हम बात करेंगे आज औरंगाबाद के बारे में, तो इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? औरंगाबाद में है, और एयरपोर्ट है औरंगाबाद में, बिल्कुल एयरपोर्ट भी है, और औरंगाबाद में बस स्टैंड भी है। इसके अलावा टॉप 5 स्पॉट्स टू विज़िट, जैसे कि देवगिरी किला है जिसे दौलताबाद का किला भी कहते हैं, बीबी का मकबरा है, एलोरा केव्स है, अजंटा केव्स है, पेंटिंग्स है वहाँ पर, या फिर आपको श्राइन है, गौताड़ा अभयारण्य है। अब स्पेशल फीचर्स क्या है? ये वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है एलोरा एंड अजंटा। इसके अलावा बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर है। अब यहाँ पर फन एंड एंटरटेनमेंट की चीज़ें कौन कौन सी है? जैसे कि औरंगाबाद सिटी में एक गार्डन है, सिद्धार्थ गार्डन, या फिर पैठन में भी बहुत बड़ा गार्डन है। इसके अलावा वाटर पार्क वगैरह भी है। अब माउथ वाटरिंग स्पेशल कज़िन, यानी कि इंडियन, मुगलाई, वेज एंड नॉन वेज आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। ये कुछ फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस है, एलेरा केव्स में कैलाश मंदिर है, कैरो है, और ये फ्लावर वैली का एक तस्वीर है। लेट्स बिगिन। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? व्हाट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? ये आलमी विरासत का मकाम होता है, यानी जिसको यूनेस्को क्या करता है, जिसे बहुत अहमियत देता है। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ साइट डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO UNESCO टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। अब ये क्या क्या है? ये इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा तहजीबी या कुदरती तौर पर अहमियत का हामिल होना चाहिए। एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। अब इसे क्या करते हैं? ये बैन अल-अक़वामी आलमी वर्सा प्रोग्राम के तहत इसकी हिफाजत करते हैं, इसका देखभाल करते हैं। विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, इसकी हिफाजत कौन करता है, देखभाल कौन करता है? ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। क्यों करती है ये? बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस डेट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये जो प्लेसेस कौन से होते हैं, ये सिग्निफिकेंट है कल्चरली एंड नेचुरली, यानी ये तहजीबी तौर पर और कुदरती तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं।
दे वेरी इन टाइप एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड साइट्स. अब ये अलग अलग हो सकते हैं, इनके अंदर तनु पाया जा सकता है, ये अलग अलग हो सकते हैं. तो कैसे अलग हो सकते हैं? इनमें फॉरेस्ट यानी जंगल हो सकते हैं, जंगलात हो सकते हैं, लेक्स यानी झीलें हो सकती है, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतें हो सकती है, बिल्डिंग्स और सिटीज़ हो सकती है, या मॉन्यूमेंट्स यानी यादगारें. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज. अभी आलमी विरसे की जो चीज़ें हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है. क्या क्या है? ये कल्चरल एंड नेचुरल यानी कि तहजीबी और कुदरती चीज़ों का एक मजमुआ हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माउंट ह्योंगशान इन चाइना इज़ अ साइट विथ सिग्निफिकेंट टू ह्यूमन कल्चर. अब ये चाइना यानी चीन का एक माउंट ह्योंगशान है. अब वो कैसा है? ये इंसानी तहजीब के हिसाब से बहुत ही अहमियत का हामिल है. बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज़ आर्ट एंड लिटरेचर. इसने चाइना की जो आर्ट है और अदब है, इसमें बहुत ही उसकी तारीख में एक तारीखी रोल अदा किया है. द माउंटेन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये जो पहाड़ है यानी माउंटेन है, ये अपने तबई मनाजिर की वजह से भी बहुत ज़्यादा खसूसियत का हामिल है. अब देखते हैं आलमी वर्षे के मुकामात, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगैन. अब देखिए, ये कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स को जो प्रोटेक्ट करना है, उसकी हिफाजत करना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बिगैन इन अर्ली 20th century, यानी ये 20वीं सदी की शुरुआत में हो गई थी. इसकी अब्तदा में इसकी शुरुआत हो गई थी. मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वॉज नॉट अनटिल द 1950s. अब इसके अंदर जो तेज़ी आई वो कब आई? 1950 के बाद में आई. इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द आसमान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर. अब इसमें क्या हुआ? 1954 में सबसे पहले दरियाए नील पर मिस्र ने यानी इजिप्ट ने क्या किया, वहाँ पर आसमान एक इरा एक मुकाम है, प्लेस है, वहाँ पर बहुत बड़ा डैम बनाने की शुरुआत कर दी. द इनिशियल प्लान वॉर फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिंबल टेम्पल्स एंड स्कोर्स ऑफ एंशंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स. अब इसका सबसे पहला जो मंसूबा था, तो उसमें क्या होता था? बंद तामीर करने के लिए बनाया हुआ जो इब्तदाई मंसूबा था, इसमें वादी का ज़ैर आब होना शामिल था, जिसमें अबू सिंबल का जो मंदिर था और बहुत सारा जो इजिप्ट यानी मिस्र का जो पुराने मिस्री फ़नून है या उसके नमूने हैं, वो सब के सब उसमें ढक जाते थे. अब ये आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? पुराने जो नमूने हैं इल्मे फ़नून के, उसे कहते हैं. टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959. अब ये जितने भी मंदिर है और जितने भी बेशुमार कदीम मंसूबे हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए यूनेस्को ने क्या किया, 1959 में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यानी बैनुल अक्वामी प्रोजेक्ट शुरू किया. उसका क्या काम, उसका नाम क्या था? डैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड. अब उसका मंसूबा क्या था कि जो प्रोजेक्ट था उसमें क्या करना था, वो मंदिरों को बड़े बड़े टुकड़े उठाकर उसको क्या करना था, उस वहाँ से ले जाकर किसी बड़े बुलंद मुकाम पर जोड़ना था. अब इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कॉस्ट क्या थी? एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड $80 मिलियन. अब इसकी कॉस्ट जो थी वो $80 मिलियन थी, $80 मिलियन. अब इसमें क्या था? $40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 different countries. अब इसमें से $40 मिलियन जो था वो 50 अलग अलग मुल्क जमा करने वाले थे. यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. अब इसमें क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए यूनेस्को ने और यादगार और मकामात की बैनुल अक़वामी कौंसिल यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, इसने क्या करा, तहजीबी वर्षे के मकामात की तहफ़ की ज़िम्मेदारी लेने के लिए एक बैनुल अक़वामी इदारा क़ायम करने का मसौदा तैयार कर लिया. शॉर्टली दर आफ्टर 1965 अ वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट.
अब इसके बाद क्या हुआ, जल्दी 1965 में अमेरिका के एक व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट यानी आलमी वर्षा ट्रस्ट कायम करने का मुतालबा किया गया। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट का के लिए था, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट्स बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट एंड नेचुरल सैनिक सिटी साइट्स। अब इसमें सिर्फ हिस्टोरिक और कल्चरल साइट्स ही नहीं करते थे वो, उसमें और क्या कर रहे थे वो, इसमें वो कुदरती और दिलकश मनाजिर के मकामात का भी तहफ़ करना इसमें ज़रूरत था, सीनिक यानी दिलकश। फाइनली 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। अब देखिए जो तहरीक शुरू हुई थी 1954 में, अब वो आगे बढ़ के 1972 तक आ गई। अब 1968 में क्या हुआ कि ये यूनियन ने क्या किया, अपने जितने मकासद थे, अपने जो गोल्स थे, उसको सबको सामने रखा और स्टॉकहोम में जो स्वीडन की राजधानी है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में उसे पेश किया गया। Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. अब 16 नवंबर 1972 के दिन क्या हुआ, यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी उसने ये आलमी तहजीबी और कुदरती वरसे के तहफ़ यानी UNESCO's General Conference on Protection of World Cultural and Natural Heritage को मंजूरी दे दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।